हेलो फ्रेंड्स, 50-50 स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 50 क्वेश्चन के इस सीरीज में जीके जीएस के हर सब्जेक्ट को हम आपको जोड़ के रखते हैं, जो आपके बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट सातवां चरण शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एसएससी एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो या सीजीएल का हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो, इसको लेकर एक फुल सिलेबस जो है वो आपको इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में मिलेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट से हम एक रेशियो, निश्चित रेशियो में आपको क्वेश्चन को देते हैं, ताकि आपके आगामी एग्जाम्स जो भी है, खास करके आगामी बिहार दरोगा बीएसएससी का मेंस, बीपीएससी का पीटी, बिहार पुलिस जो भी हाल ही में अभी रिक्वायरमेंट बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी करने वाले का एक गलती बिहार में ये होता है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट से एक गलती आमतौर पर होता है। हमने ऑफलाइन भी पढ़ाया और ऑनलाइन भी, तो उसमें ऑफलाइन में तो हम प्रैक्टिकली देखे हुए इस चीज को, खुद भी पढ़े तो उस लाइन से रहे भी है, तो आपको एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब वैकेंसी आता है तो जोशी आते हैं, जब वैकेंसी आता है किसी चीज का तो खूब जोशी आएंगे, क्लियर। और जब फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म पिकअप हो जाता है, तब जोश खत्म हो जाता है, और एक बार जब फिर से नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम होने वाला है, तब फिर से जोश आता है। ऐसे में तैयारी नहीं होता है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। ऐसे में तैयारी नहीं होता है, आपको दुनिया का कोई भी टीचर आपको सक्सेस नहीं करा सकता है। ऐसे आपको रिजल्ट लेने के लिए रेगुलर तैयारी की आवश्यकता है। जब वैकेंसी नहीं है उस समय भी आपको आवश्यकता है, वैकेंसी आया उस समय थोड़ा सा आप उसको रिवीजन को तेज करने का आपको आवश्यकता पड़ता है, और जो भी जान और जीत होता है वो लगा देना होता है जब एग्जाम का समय आ जाता है, तब ऐसे तैयारी होता है। कि जब तक अपने आप को झोंकेंगे नहीं, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा, तब तक आपको रिजल्ट नहीं होगा, क्लियर। और रिजल्ट कोई एक दो दिन या एक दो रात का रिजल्ट नहीं होता, कई रात इसमें गुजारना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट होता है। चाहे तो वैकेंसी रहे या न रहे, फिर भी स्टूडेंट मेहनत करता रहता है, तभी उसको आगे आगामी एग्जाम्स में रिजल्ट होता है। आपको, आप रिजल्ट के पीछे ना रहे, इसके लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाएगा। 116 नंबर सीरीज है, 116 नंबर सेट नंबर है, और इसके पहले का विषय अगर आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, अगर वहां से जुड़ने में कोई कठिनाई होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से आप जुड़ जाइएगा और प्रत्येक का पीडीएफ आप अवेलेबल करवा लीजिएगा। फ्रेंड्स, आगामी एग्जाम्स के लिए हम क्वेश्चन सेट मॉडल सेट के तौर पर 400, 500, 600 का सीरीज भी लाते हैं, जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एक सब्जेक्ट से जीके जीएस के लिए, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो। तो इसका पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ और सॉल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का ले लीजिएगा। बहरहाल 196 नंबर से प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले से अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी एग्जाम्स के लिए निश्चित तौर पर ये यूट्यूब चैनल आपको सक्सेस दिलाएगा। आप 50 क्वेश्चन के सीरीज में हर एक सब्जेक्ट से आपको जोड़ के रखेगा जीके जीएस का, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो दूसरे तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होता है, आप इसे शेयर कीजिएगा। आप लाइक इसलिए कीजिएगा कि आपके लिए काफी मेहनत से और काफी संग्रह किया हुआ क्वेश्चन आपके लिए तैयार करते हैं हम, और उसी रेशियो में आंसर भी देने का प्रयास करते हैं जितना कि आपके क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट आपको चाहिए होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर सेट का। निम्नलिखित में से खुद के लिए भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए तैयारी नहीं कीजिएगा, तब तक खुद के लिए जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, दूसरा कोई भी दुनिया का टीचर कितना भी योग्य क्यों ना हो आपको सफलता नहीं दिला सकता है। इसलिए खुद के लिए तैयार कीजिए, खुद के लिए तैयार होइए, खुद के लिए समय दीजिए। हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए और रिवीजन लगातार, चाहे तो कोई भी यूट्यूब चैनल देखते हो तो केवल शॉर्ट वीडियो देखने का काम नहीं करेंगे। आपके पास होता क्या है कि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो अगर अच्छा चीज आपको बता रहे हैं तो वो देखने में आपको कठिनाई होती है, लेकिन शॉर्ट वीडियो में अगर कोई बुरा चीज भी अगर दे रहा है, कोई भी चीज दे रहा है, तो उसको कब 100 वीडियो देख लिए उसका कोई अंदाजा नहीं, घंटों, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा गुजार दिए शॉर्ट वीडियो देख के, पता ही नहीं लगता है। लेकिन अच्छे चीजों को जानकारी के लिए आपके पास समय नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करेंगे। प्रॉपर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इसको रेगुलर देखिएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन सुनने का प्रयास कीजिएगा और खुद से भी इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 50-50 का क्वेश्चन सेट जो है हम आपके लिए 116 नंबर तक ले आए हैं। सोच लिए कितना कलेक्शन जीके जीएस और करंट अफेयर्स का आपके पास हो गया होगा अगर आप रेगुलर तैयारी रेगुलर इसको सुनते हैं तो, क्लियर।
चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सत्य है, तीन कथन आपको दिया हुआ है और कौन सा कथन सत्य है, ग्रुपिंग के रूप में आपको आंसर देना है। कथन पहले पढ़ते हैं, भौतिक पूंजी जिसको फिजिकल कैपिटल कहा जाता है, तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मदों को स्थायी पूंजी माना जाता है। बिल्कुल गलत है, इसे स्थायी पूंजी नहीं माना जाता है, नगद मुद्रा और कच्चा माल को कार्यशील पूंजी माना जाता है, न कि स्थायी पूंजी माना जाता है। क्लियर, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, भौतिकी पूंजी के अंतर्गत यानी फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत भवन मशीन तथा औजार इत्यादि मदों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। जी नहीं, कार्यशील पूंजी नहीं कहा जाता है, इसे अस्थाई पूंजी कहा जाता है। क्लियर, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन चलते हैं, भौतिक पूंजी को अस्थाई पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में पाता जाता है, यह कथन बिल्कुल ही सही है। क्लियर, ऑप्शन नंबर तीन जो है आपका बिल्कुल ही केवल तीन सही होगा। क्लियर, नेक्स्ट को थोड़ा सा इसको एनालिसिस देख लेते हैं। भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल किसको कहते हैं, यह एक प्रकार का संपत्ति है जिसका प्रयोग उत्पादन एवं निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। इसके अंतर्गत औजार मशीनें भवन कच्चा माल तथा नगद मुद्रा को शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत औजार मशीनें भवन कच्चा माल और नगद मुद्रा को शामिल किया जाता है। अब इसी में से भौतिकी पूंजी को दो भागों में बांटा जाता है, एक अस्थायी पूंजी के रूप में और दूसरा कार्यशील पूंजी के रूप में यानी फिक्स्ड कैपिटल तथा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत इसमें संपत्ति या उपकरण जैसे कि व्यवसाय शुरू करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक जो संपत्ति होती है या निवेश शामिल होता है उसको अस्थायी पूंजी कहा जाता है, जैसे कि औजार मशीन तथा भवन, ये अस्थायी पूंजी है। क्लियर, कार्यशील पूंजी की बात करें तो वर्किंग कैपिटल वह नगद या अन्य तरल संपत्ति है जिसका उपयोग व्यवसाय दैनिक कार्यों को कवर करने के लिए करता है, जैसे बिलों का भुगतान करना। कच्चा माल तथा नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी के रूप में जाना जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे तो अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करेगा उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से उसे जाना जाता है। अवक्षेप क्या होता है, तो इसका सामान्य अर्थ होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी ठोस का बनना। क्लियर, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो अविलेय पदार्थ का मिलकर एक ठोस का रूप परिवर्तित हो जाना अवक्षेप कहलाता है। क्लियर, यदि पोटेशियम एग्जांपल में देखेंगे, यदि पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl के जलीय विलयन में अगर सोडियम नाइट्रेट यानी AgNO3 का जलीय विलयन मिला दिया जाए तो सफेद रंग के ठोस पदार्थ का अवक्षेपण होता है और यही सफेद रंग का पदार्थ सिल्वर क्लोराइड AgCl का निर्माण होता है। रिएक्शन भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो अवक्षेपण जो होता है वो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण होता है और इस पर सफेद रंग का परत जम जाता है। अवक्षेपण का अभिक्रिया का प्रयोग जो होता है वो कहां कहां किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि एक रंग के परत के रूप में जम जाता है इस अभिक्रिया का फलस्वरूप, तो इसका प्रयोग वर्णक यानी कि पिगमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल, रंग बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जल के उपचार के लिए इसमें से लवण निकालने में किया जा सकता है तथा परंपरागत गुणात्मक अकार्बनिक विश्लेषण में भी अवक्षेपण अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपको सत्य कहा गया है, दो कथन आपको भारतीय संविधान के बारे में दिया हुआ है और कौन सा कथन सत्य है ये बारे में, इस बारे में आपको जानकारी पूछा है। पहला कथन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण को प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 29 को ही प्रदान करता है। संघवाद का अर्थ, दूसरा कथन है, संघवाद का अर्थ देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना। बिल्कुल ही सही है, तो दोनों कथन ही आपका जो है एक और दो, दोनों कथन आपका सही कथन है। क्लियर, कथन एक बारे में जरा गौर फरमाइएगा, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। वर्तमान समय में अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग जो है वो 6 है, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन। ये छेवो समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है इन छेवो को, फिर से मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैनियों को। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जो अभी तक लागू है। क्लियर, कथन दो की बात करें तो संघवाद का अर्थ सत्ता की साझेदारी से है। किसी देश में यदि दो या दो से अधिक स्तर की सरकार हो तो वहां संघवादी प्रवृत्ति पाई जाती है।
भारत में केंद्र स्तर, राज्य स्तर तथा पंचायत स्तर की त्रिस्तरीय सरकार है, अतः यहाँ संघवाद प्रभावी रूप से मौजूद है। क्लियर, तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा मिलती है। क्लियर, और इस भाग में जो 12 से 36 तक अनुच्छेद की चर्चा है वह सभी अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को और गैर भारतीय नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। क्लियर, हालांकि भारतीय नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन कुछ अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत है जो गैर भारतीय नागरिक को प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब जो गैर भारतीय नागरिक को प्रोवाइड नहीं किया गया है, केवल भारतीय नागरिकों को प्रोवाइड किया गया है, उसकी बात जरा कर लेते हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30 अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार, ये केवल और केवल भारतीयों को है। यह मौलिक अधिकार जो है, ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये गैर भारतीय नागरिक को प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये केवल भारतीयों के लिए है, बाकी अनुच्छेद तो भारतीयों के लिए है ही। क्लियर, और गैर भारतीय नागरिकों के लिए भी बाकी अनुच्छेद है। तो जरा गौर फरमाइएगा, भारतीय संविधान का भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, जिसमें कुछ अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक तथा गैर भारतीय नागरिक को प्रदान किया गया है, तथा कुछ अनुच्छेद जिसमें 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। क्लियर है, अब जरा ऑप्शन पर चलिए। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार भी देता है, और गैर भारतीय नागरिक जो है उनके लिए भी मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 32 में। क्लियर है, अगर गैर नागरिकों के लिए जो उपलब्ध नहीं है मौलिक अधिकार, वो 15, 16, 19, 29, 30। क्लियर है, इतने याद रखें। ऑप्शन नंबर बी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, जो कि गैर नागरिकों के लिए भी है और भारतीयों के लिए भी, केवल भारतीयों के लिए, गैर भारतीयों के लिए ये अनुच्छेद 19 नहीं है। देश के किसी भी भाग में घूमने बसने एवं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत ही दिया गया है। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही दिया गया है। तो ये सभी जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए दिया गया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं कहा गया है। जरा ऑप्शन पर गौर फरमाइएगा, कथन पर गौर फरमाइएगा। बौद्ध संघ के बारे में चर्चा किया है, तो संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही है, जिसकी चर्चा जो है वो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में किया गया है, जिसकी रचना उपाली महाकश्यप के द्वारा किया गया था। दूसरा है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, बिल्कुल सही है, सभी व्यक्ति को संघ में प्रवेश लेने के ले सकते थे, चाहे तो स्त्री हो चाहे तो पुरुष हो। तीसरा है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, बिल्कुल सही है, माता पिता से अनुमति लेकर ही बच्चे जो है वो संघ में प्रवेश ले सकते थे, इसकी चर्चा भी रेपिटक में किया गया है। वैवाहिक स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी, यही बात गलत है। जब किसी स्त्री को विवाह हो गया है तो उसके माता पिता से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि संघ में प्रवेश करें या न करें, उसे उसके पति से पूछने की आवश्यकता पड़ती थी, इसकी चर्चा विनय पिटक में किया गया है। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे, पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी किया गया था, यह विनय पिटक में दिया गया है। विनय पिटक जो है वो उपाली महाकश्यप के द्वारा लिखित बौद्ध ग्रंथ प्रथम बौद्ध संगति के अंतर्गत इसकी रचना किया गया था, तथा इसमें बौद्ध संघ में प्रवेश को लेकर नियम एवं कानून की चर्चा की गई है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामित्वों से, राजकर्मियों को अपने राजा से, और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेने की खूब आवश्यकता पड़ती थी, जबकि विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश करने के लिए पति से अनुमति लेना आवश्यक था, न कि पिता और माता से। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार जो है वो वर्तमान समय में 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के क के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। क्लियर, तो शिक्षा का अधिकार जो है वो मानव अधिकार भी है और इसके साथ साथ मौलिक अधिकार भी संविधान में वर्जित किया गया, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का क्या ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है।
कथन पढ़िएगा। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा जो है वो बिल्कुल ही सही है, शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद संसद में पहली बार लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को 14 दिन की छूट दिया जाता है, 14 दिन के भीतर अगर धन विधेयक को राज्यसभा पारित नहीं करता है फिर भी राज्यसभा से इसे पारित ही समझा जाता है। क्लियर, समझ गए। अब दोनों सदनों से धन विधेयक अगर पारित हो जाए तो इसके बाद इसको राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हजारीबाग जो तत्कालीन बिहार में पड़ता था, अभी तो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है हजारीबाग, तो हजारीबाग तो तत्कालीन बिहार में था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था और इस पर असहयोग आंदोलन का खूब प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए आवाहन कार्यक्रम की शुरुआत बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा भारत में शुरू किया गया है 6 राज्यों में 2003 में। क्लियर। अब वो 6 राज्य कौन कौन से है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा मणिपुर। क्वेश्चन बदल के भी आपसे पूछ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन ये पूछे कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा भारत में शुरू किया गया आवाहन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से 6 राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, या कौन से राज्य शामिल नहीं किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा 6 राज्य 2003 में शुरुआत किया गया था, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? द्रुत डाक सेवा का आरंभ कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा हो जाने के बावजूद भारतीय डाक विभाग के द्वारा 1986 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग के द्वारा द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ किया गया था। कुरियर सेवा क्या है जरा समझिएगा, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्विकली जल्दी से वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया कुरियर सेवा कहलाती है। क्लियर। और इसी के लिए वस्तु में प्रतिस्पर्धा, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए प्रतिस्पर्धा हो गया, जिसके कारण से भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ 1986 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, PDF आप इसका जरूर अवेलेबल करवा लीजिएगा, विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ, सॉल्यूशन किया हुआ। क्लियर। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, रिवीजन निश्चित तौर पर कीजिए, क्योंकि सर पर बहुत सारा एग्जाम बिहार स्टेट लेवल का है और खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम है, तो आप इस लिहाज से भी इसको रिवीजन कीजिएगा, लास्ट तक रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, NCERT बेस्ट क्वेश्चन आपको ये दे रहे हैं और सॉल्यूशन भी बेहतरीन तरीका का दे रहे हैं, जितना कि आपको जरूरी है। तो खुद पर भी समय दीजिए, अपने आप पर भी समय दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और हमें हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बढ़ाइए इसे, शेयर कीजिए अगर लगता है कि यूजफुल हो सकता है। क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तृतीय शोध केंद्र, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में 3 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। क्रम से याद रखेंगे, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, सबसे पहला दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती, सबसे नवीनतम और तृतीय शोध संस्थान जो है, शोध केंद्र जो है भारत का अंटार्कटिका में, वो है भारती। अब जरा समझिएगा, जिसमें सबसे पहला जो है वो दक्षिणी गंगोत्री है, इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 26 जनवरी 1984 ईस्वी को अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था दक्षिणी गंगोत्री के नाम से। अब यह अस्तित्व में नहीं है क्योंकि बर्फ 70 मीटर बर्फ से या मोटी बर्फ से ढक चुका है, तो यह अब अस्तित्व में नहीं है। दूसरा भारतीय अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिका में स्थापित किया गया भारत के द्वारा, उसका नाम मैत्री है, इसकी स्थापना जनवरी 1989 ईस्वी में किया गया था, यह भी अब प्रचलन में नहीं है। तीसरा और सबसे नवीनतम जो अंटार्कटिका में स्थापित भारत का तीसरा नवीनतम अनुसंधान केंद्र है, वो है भारती, इसकी स्थापना 2012 में किया गया था, जो सबसे नवीनतम भी है और तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कारणों से वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तत्व का वर्गीकरण करने की आवश्यकता वैज्ञानिकों को क्यों पड़ी? अब कथन 3 इसके बारे में दिया हुआ है, तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियों के कारण, दूसरा है तत्वों के विभिन्न स्रोत के कारण, तीसरा है तत्वों के विभिन्न गुण के कारण। तो इन सभी कारक जो थे, यानी तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों की विभिन्न गुणवत्ता के कारण ही
सभी तत्वों का वर्गीकरण करने की ओर अग्रसर किया वैज्ञानिकों को। तो जरा समझिएगा कि सभी तत्वों को एक ही कंसेप्ट में लाने का सबसे पहला प्रयोग जो है, एक ही पीरियोडिक टेबल में लाने का सबसे पहला प्रयोग जो रेनियर के द्वारा 1829 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में सजाने हेतु ट्रिक सिद्धांत यानी ट्रिप्लॉइड थ्योरी का प्रतिपादन किया था। साथ ही अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा भी तत्वों के वर्गीकरण हेतु योगदान दिया गया था, जिसमें न्यूलैंड का दूसरा स्थान आता है। अष्टक नियम इन्होंने दिया था तत्वों के सजाने के क्रम में, जिसे ऑक्टेट ऑक्टेंट थ्योरी कहा जाता है, और इसका प्रतिपादन 1863 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद नंबर आता है लोथर मेयर का, जिन्होंने तत्वों के परमाणु आयतन सिद्धांत का प्रतिपादन किया तत्वों को सजाने के लिए 1869 ईस्वी में। चौथे स्थान पर मेंडलीफ का नाम आता है, जिन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने तत्वों के परमाणु भार का सिद्धांत दिया था, इन्होंने एटॉमिक मास ऑफ थ्योरी का सिद्धांत दिया 1869 ईस्वी में, अब तत्वों को सजाया। जबकि पांचवें स्थान पर मोस्ले का नाम आता है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। परमाणु संख्या सिद्धांत यानी एटॉमिक नंबर लॉ सिद्धांत का प्रतिपादन मोस्ले के द्वारा दिया गया था 1913 ईस्वी में, जबकि बोरबरी ने तत्वों को सजाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के अंग में कौन शामिल है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या नगरपालिका? कार्यपालिका शामिल है, विधायिका भी शामिल है और न्यायपालिका, ये तीनों जो है वो सरकार के अंगों में से शामिल है। तो होगा केवल एक, दो और तीन शामिल है, नगरपालिका इसके अंग नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को तीन अंगों में बांटा गया है, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के रूप में, जिसमें से विधायिका देख लिया जाए। इसका काम क्या होता है, लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है? तो इसका कार्य विधि या कानून निर्माण करना होता है, कानून बनाना इसका काम होता है। और इसके अंग जो होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर। दूसरा आता है कार्यपालिका, सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका यानी एक्सक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इसका काम होता है विधायिका के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसका कार्यान्वयन करना। इसके अंग जो होते हैं वो राष्ट्रपति इसके प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कौन? राष्ट्रपति होते हैं। दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति का नाम आता है। कार्यपालिका के तीसरे स्थान पर जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान माना जाता है, तथा मंत्री परिषद भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री कार्यपालिका के अंग होते हैं। न्यायपालिका यानी जुडिशियरी की बात किया जाए तो इसको प्रशासन की देखरेख, विवादों का फैसला और विधियों की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया है। इसके अंग सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज जून 2023 में कोलंबो की परिचालन यात्रा पर जाने के लिए तैयार है? आईएनएस बगीर। आईएनएस बगीर जो है वो कोलंबो की परिचालन यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। जरा ध्यान दीजिएगा कि भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक पनडुब्बी आईएनएस बगीर यह 19 जून से 22 जून तक कोलंबो में परिचालन यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। यह यात्रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण की स्मृति में किया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, और 2023 में जिसका विषय ग्लोबल ओशन रिंग रहा है, इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को उनकी साझा खोज में जोड़ना है, जो भारत की चल रही G20 अध्यक्षता और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के प्रतिध्वनि के साथ प्रज्वलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। एक तरफ आश्रम व्यवस्था दिया हुआ है, प्राचीन काल में जो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ था, तथा दूसरा तरफ उस आश्रम व्यवस्था का क्या उद्देश्य था इसके बारे में चर्चा किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, पौरुषेय को पुरुषार्थ बनाने के लिए, पौरुषेय को पुरुषार्थ को लागू करने के लिए चार आश्रम व्यवस्था बनाया गया था उत्तर वैदिक काल में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और तप सन्यासी। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में मनुष्य की आयु को 100 वर्ष निर्धारित किया गया था, और इस 100 वर्ष को 25-25 वर्ष के रूप में बांट दिया गया था। क्लियर। 25-25 वर्ष के रूप में बांट दिया गया था। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला 25 वर्ष को जो व्यक्ति का होता था वो ब्रह्मचर्य जीवन होता था, और इसका उद्देश्य जो था वो सादा जीवन जीते हुए वेदों का अध्ययन करना, यानी वेदारंभ करने की उपनयन संस्कार के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, नामकरण, अनुप्रासन, चाक्रम, चुराकरण, सीमंतोनयन, उपनयन, कर्मभेद, कर्मभेद, कर्णभेद, विद्यारंभ, वेदारंभ, सीमंतोनयन, कर्मांतिक, इसके अलावा कर्मांतिक, इसके अलावा अंत्योष्टि संस्कार। ये 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें से ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मचर्य जो है वो सादा जीवन उपनयन संस्कार के बाद किया जाता था। ब्रह्मचर्य
सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करने की प्रवृत्ति उद्देश्य इसका रहता था। अब यह आश्रम व्यवस्था जो है प्रत्येक अगला चरण में प्रवेश करने से पहले पूर्व चरण का अवलोकन करके अगले चरण में प्रवेश करने के लिए ज्ञान प्रोवाइड किया जाता था, प्रदान किया जाता था। क्लियर? तो ब्रह्मचर्य जो था वो सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन जो था वो विवाह करके गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत करना गृहस्थ जीवन कहलाता था। गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ तीसरा आश्रम था जो अगले 25 वर्ष के लिए था। वानप्रस्थ जो था वो जंगल में रहकर साधना करने की करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और सन्यासी जो था चौथा आश्रम जो था जीवन का वो 25 वर्ष का सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाने की इसका उद्देश्य था। तो 4, 1, 2, 3 सही मिलान करता है। आप ध्यान दीजिएगा आश्रम व्यवस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था जिसमें तीन आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ तथा वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा की गई थी जबकि चौथे आश्रम गृहस्थ आश्रम की चर्चा सूत्रकाल और महाजन पदकाल में किया गया था। पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुषार्थ 4 प्रकार का धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसको चरितार्थ करने के लिए आश्रम व्यवस्था पर ही निर्भर करना पड़ता था अतः पुरुषार्थ तथा आश्रम में घनिष्ठ संबंध हुआ करता था। कभी क्वेश्चन में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब जरा समझिएगा ये लोक लेखा समिति क्या होता है। तो लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है यानी ट्विन सिस्टर के नाम से लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति का कहा जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा राज्यसभा के सदस्य अस्थायी सदस्य लोक लेखा समिति में माने जाते हैं जिसको मत देने का अधिकार नहीं होता है और ये सभी सदस्यों का निर्वाचन 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इसे ही लघु लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है यानी लोक लेखा समिति को मिनी लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और आमतौर पर इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के नेता होते हैं क्योंकि 1967 ईस्वी में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो थे वो विपक्षी दल के नेता श्री मीनू मस्वानी को बनाया गया था। उसी समय से यह परंपरा हो गया कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता होंगे। क्लियर? इसका मुख्य कार्य होता है भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है तथा उसकी रिपोर्ट लोकसभा को प्रदान करता है जिससे कि जो अनियमितताएं यानी जो कमियां उसको ध्यान में आई है उस पर संसद में बहस हो एवं प्रभावी कदम उठाया जा सके उसके खिलाफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है ऐसा वो क्यों करती है? ऐसा इसलिए करती है क्योंकि फूल और उनके मकरंद जो होते हैं वो वर्ष में केवल कुछ ही समय में उपलब्ध हो पाते हैं और ऐसे स्थिति में वे छत्ते में भंडारित कर देती है मकरंद को क्योंकि फूलों और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में उपलब्ध होते हैं तो मधुमक्खियां इन मकरंद का भंडारण करके पूरे वर्ष इसका उपयोग करती है कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरंग के पार विहार नामक पुस्तक के लेखक कुमार दिनेश है। कुमार दिनेश ने सुरंग के पार विहार नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा 18 दिसंबर 2014 को पारित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से इस दिन को अपनाया गया था यानी विश्व युवा कौशल दिवस 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया था और इसे अपनाया गया था। यह दिन युवाओं को ऐसे कौशल से लैस करने के महत्व को पहचानता है जो उन्हें उद्यमी बनाने और रोजगार ढूंढने में मदद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा विश्व युवा कौशल दिवस 2022 की थीम जो रही थी वो भविष्य के लिए युवा कौशल को बदलना यानी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? ऑप्शन में है नियोन सल्फर फास्फोरस और आर्गन। तो सल्फर जो होता है उसका आणविक रूप से परमाणु की संख्या जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। वैसे ध्यान रखेंगे सल्फर वह तत्व होता है जिसकी परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 होती है। इसे आवर्त सारणी में 16वें समूह यानी कैल्कोजेन समूह में तीसरी अवधि में रखा गया है। इसमें आणविक रूप से परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। सल्फर का एक अणु सल्फर के 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है अतः आणविक रूप से इसके परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा यही पॉइंट है सल्फर का एक अणु सल्फर के 8 परमाणु से मिलकर बना होता है अतः यह बहुपरमाणविक तत्व होते हैं। क्लियर? यही कारण है कि आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा सल्फर में है। जो तत्व एकल परमाणु के रूप में मौजूद होता है उसे एक परमाणविक तत्व कहा जाता है और इसके एकल परमाणविक तत्व के उदाहरण हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टोन इत्यादि को रखा जाता है।
जबकि वे तत्व जो एक दूसरे से बंधे हुए परमाणु युग्म में मौजूद होते हैं यानी जोड़ी में मौजूद होते हैं वे द्विपरमाणविक तत्व कहलाते हैं और इसके एग्जाम्पल क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तीन कथन हरित क्रांति के बारे में दिया हुआ है, जरा पढ़िएगा। हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं की खेती अधिक पर अधिक बल दिया गया था, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 ईस्वी के दशक के अंत में हुई थी, बिल्कुल सही है। 1967-68 में किसानों ने हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज देने वाले बीज का भी प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें से सभी कथन हरित क्रांति के बारे में जो दिया हुआ है वो सही कथन है। अब जरा गौर फरमाइएगा, तो 1960 ईस्वी के दशक के अंत में अर्थात 1967-68 ईस्वी में भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज यानी HYBS हाई यील्डिंग वैरायटीज के द्वारा चावल और गेहूं के खेती के तरीकों को अपनाया गया था। इस कारण हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से गेहूं और धान की खेती पर ही दिखाई पड़ा था। इसके अलावा ध्यान रखिए, हरित क्रांति के समय न्यू टेक्नोलॉजी जो आया, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जो हुआ, वो हरियाणा और पंजाब के किसान ज्यादातर कर पाए क्योंकि वही किसान ज्यादा समृद्ध थे, जिसके कारण गेहूं और चावल के उत्पादन पर सबसे ज्यादा अच्छा वृद्धि जो हुआ वो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में हुआ था। यानी हरित क्रांति का सबसे अच्छा प्रभाव जो पड़ा वो हरियाणा एवं पंजाब के क्षेत्र में पड़ा था। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग को माना जाता है, जिन्होंने 1960 ईस्वी में हरित क्रांति का प्रयोग किया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीरिस्तान किसका हिस्सा है? तो वजीरिस्तान जो है वो पाकिस्तान में पाया जाने वाला एक भाग होता है। वजीरिस्तान उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा से दूर 11,585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ पर्वतीय प्रदेश है। क्लियर। यह पूरा क्षेत्र पश्तून आबादी वाला है तथा यहाँ के लोग पश्तो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वजीरिस्तान को पूर्व में अमीरात के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन अगर आपसे पूछोगा वजीरिस्तान का पुराना नाम क्या है, तो अमीरात इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं? तो यह एक आउटपुट डिवाइस होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब जरा देखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं इसे इंपैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है और यह कंप्यूटर प्रिंटिंग तकनीक है जिसमें अपेक्षाकृत कम रिजोल्यूशन वाले आउटलेट लेआउट के साथ डॉट मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए सतह पर स्याही लगाई जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट्स के रूप में आउटपुट देता है जिसे किसी भी अक्षर आकार की प्रिंटिंग की अनुमति मिलती है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पर, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम के वे भाग है ये जो सूचना प्रोसेस करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम प्रोसेसिंग डिवाइस का होता है। मेमोरी डिवाइस की बात करें तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर मेमोरी होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोरेज डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इनपुट डिवाइस तो जानते हैं, किसी भी डेटा यह एक हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग होता है जो किसी भी डेटा को नियंत्रित और संकेतों को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए इनपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता है? तो सारण जिला बिहार का जो है वहां पर सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है तथा इस मेले को हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोगों द्वारा इसे छतर मेला के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। स्थानीय लोग इसे छतर मेला कहते हैं जबकि यह मेला हरियर क्षेत्र मेला के नाम से प्रसिद्ध है, इसे सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह सोन एवं गंगा के संगम पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ावा देती है वह कौन सी होती है? तो कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। कॉपर टी का उपयोग करने के कारण यह जो होता है वो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ावा देती है। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, मूल पॉइंट ये है, अगर फैगोसाइटोसिस समझ लिए तो ये भी समझ लीजिएगा। फाइगोसाइटोसिस जो होता है वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा फाइगोसाइट्स नामक कुछ जीवित कोशिकाएं जो होती है शरीर के भीतर बाहरी वाले कुछ अवैध कोशिकाओं को या कोई अवैध रोग जनकों को कोई कीटों को निगलने का काम, भक्षण करने का काम करता है। यही प्रक्रिया फाइगोसाइटोसिस कहलाती है। और कॉपर टी का इस्तेमाल करने के बाद शुक्राणु जो होते हैं उसका फाइगोसाइटोसिस कर लिया जाता है यानी उसका पाचन कर लिया जाता है, जिसके कारण से ये एक गर्भ निरोधक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर।
कॉन्डोम का प्रयोग की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका प्रयोग स्पर्म को योनि में जाने से रोकने की प्रक्रिया होती है जिसे यांत्रिक अवरोध कहा जाता है। सर्जरी के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब को बांधने की प्रक्रिया लैप्रोस्कोपी कहलाती है, जबकि गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन को रोकती है तथा यह मुख से लिया जाने वाला एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन निर्मित गोली है जो हार्मोन के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंट्रीज आयोग किससे संबंधित है? कोडेक्स एलिमेंट्रीज आयोग जो होता है वो खाद्य एवं कृषि संगठन तथा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम का मुख्य भाग है। कोडेक्स नामक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन निकायों या FAO और WHO के तहत परामर्श द्वारा प्रदान किया जाने पर प्रदान किए गए ध्वनि विज्ञान पर आधारित होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सितंबर 2023 में देश के पहले MotoGP कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो उत्तर प्रदेश। देश के पहले MotoGP कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है, जो कि 22 से 23 मार्च को ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में देश के पहले MotoGP रेसिंग इवेंट की मेजबानी करना तय माना गया है उत्तर प्रदेश में। क्लियर। इस इवेंट के दौरान दुनिया भर से आए मेहमानों को ODOP यानी ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। क्लियर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ODOP यानी ODOP का संबंध इनमें से किस से है, तो MotoGP से संबंधित है और यह MotoGP जो है उत्तर प्रदेश में 22-23 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में देश के पहले MotoGP रेसिंग इवेंट का मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के पुराने आभूषण में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाता है? ऐसा नहीं है कि पॉलिश पर चढ़ जाने के बाद वह आभूषण जो है और वजनदार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉलिश करने का मतलब है कि पहले उसके उस पर जमे हुए अपशिष्ट को क्या किया जाता है कि उसको साफ करके हटाया जाता है, जिसके कारण से आभूषण का कुछ वजन जो होता है वह क्या हो जाता है, कम जाता है। सोने के पॉलिश के दौरान रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है जिसके कारण आभूषण की ऊपरी परत हट जाती है, जिससे आभूषण नए तरह के से चमकने लगते हैं, परंतु ऊपरी परत हटने के कारण वजन में कुछ कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक सुधार किसके हाथों में रह गया है? वर्तमान समय में भू नियंत्रण का सामाजिक सुधार जो है वो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में वर्तमान समय में रह गया है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, कब? 1952 में, फिर भी भू नियंत्रण का सामाजिक सुधार प्रधान जाति के हिंदू लोगों के हाथों में वर्तमान समय में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में पाए जाने वाले संगाई हिरण का लोकप्रिय नाम, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन, संगाई हिरण लोकप्रिय नाम इसका क्या है? मणिपुर में ध्यान दीजिएगा, संगाई हिरण जो पाया जाता है उसका लोकप्रिय नाम है स्वैंप डियर, या इसी का नाम अगर यदि जो कहेंगे तो डांसिंग डियर, डांसिंग डियर इसी को कहा जाता है, स्वैंप डियर या डांसिंग डियर। अब क्यों इसे कहा जाता है, संगाई हिरण को ऐसा नाम क्यों दिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि यह पाया जाता है कैमून लामजाओ नेशनल पार्क में, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील तैरता हुआ पार्क जो है वो है कैमून लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहां स्थित है, मणिपुर में। किस झील में? लोकटक झील में। मणिपुर के लोकटक झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कैमून लामजाओ नेशनल पार्क है और इसी पार्क में संगाई हिरण पाया जाता है। अब लोकटक खुंडी यानी तैरती हुई वनस्पति के लिए जाना जाता है और हिरण को अक्सर उन पर खुद को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे नाच रहे हैं। कहने का मतलब, अपने आप को संतुलित अवस्था में बनाए रखने के लिए हिरण को सामने से देखने पर ऐसा लगता है कि वे नाच रहे हैं, क्योंकि वह पार्क जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, हिल दौड़ रहा है पार्क, जिसके कारण से उस पर मौजूद जीव जो होते हैं वो डांसिंग करते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे संगाई हिरण को स्वैंप डियर या डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त बारासिंग या संगई रूसर बस LD का प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिलीट की गई फाइल कहां संग्रहित की जाती है? तो रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन जो होता है वहां पर डिलीट की गई फाइल अस्थायी रूप से मौजूद होती है। एप्पल कंप्यूटर में रिसाइकिल के जगह पर ट्रैश एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, वहां को रिसाइकल बिन नहीं मिलेगा बल्कि ट्रैश एप्लीकेशन मिलेगा, जिसका प्रयोग तत्कालिक जो डिलीट किया हुआ फाइल होता है यही पर अस्थायी रूप से सुरक्षित होता है। क्लियर। किसी भी फाइल को रिसाइकल बिन में जाने से अगर रोकना है आपको, तो उस फाइल को हटाते समय शिफ्ट की को दबा दीजिए, तो वहां से पूरा उसी समय डिलीट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप कथन पढ़ना पड़ेगा। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। फर्मेंटेशन की क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर। श्वसन के प्रथम चरण, दूसरा श्वसन के प्रथम चरण में पाइरूविक एसिड का निर्माण होता है, बिल्कुल ही सही है। तीसरा श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, बिल्कुल सही है। चौथा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड का विघटन होता है, ये कथन जो है वो आपको गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड का विघटन होता है, ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब जरा डिटेल पर ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स भाग में क्रेब्स चक्र के उपरांत ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में अपघटन के उपरांत ऑक्सीजन में प्रवेश करने वाला पाइरूविक एसिड ऑक्सीकृत होकर 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, क्लियर। 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है ऑक्सीकृत होके, पाइरूविक एसिड ऑक्सीकृत होके, क्लियर। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का विघटन होना ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्लियर। तो 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि खूब ऊर्जा का उत्पादन करता है श्वसन क्रिया के दौरान। अब किण्वन के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। फर्मेंटेशन क्या है? ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में अपघटन के उपरांत पाइरूविक एसिड यीस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर। अश्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है तथा साइटोप्लाज्म में पाइरूविक एसिड का निर्माण होता है, यह कथन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेल किसको जोड़ती है? तो रूस के राजधानी मॉस्को के व्लादिवोस्टक शहर को जोड़ देती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 9232 किलोमीटर है। यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, रूस की राजधानी मॉस्को के सेंट पीटर्सबर्ग को ब्लावत तस्की एवं लेनिनग्राद को आपस में जोड़ देती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 22 जून 2023 को 2 दिवसीय G20 श्रम कार्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वो अपना बिहार है, बिहार के पटना में, बिहार की राजधानी पटना में 22 से 23 जून को 2 दिवसीय जी श्रम कार्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस मेगा इवेंट के लिए राज्य का कला विभाग तथा संस्कृति विभाग जो है वो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, जिसमें G20 सदस्य देशों के लगभग 180 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इन 2 दिवसीय मेगा आयोजन के दौरान ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि और G20 देशों के अधिकारी कृषि, ऊर्जा, रोजगार, पर्यावरण और संबद्ध क्षेत्रों में श्रम और कौशल के मुद्दे पर भी मंथन करेंगे यानी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ईस्वी किसने पारित किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जाहिर सी बात 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ इसी के तहत, क्लियर। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत में डाक टिकट का प्रचलन किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत 1854 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा खूब सारा कार्य करवाया किया गया था, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था 1848 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी जो था उसने 1854 ईस्वी में ही स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाया था 1848 ईस्वी में और पहला राज्य सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, ध्यान दीजिएगा। इसी के समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौत एवं अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निफ्लिन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती है? यह कोल तार से प्राप्त की जाती है, कोल तार से प्राप्त की जाती है निफ्लिन की गोली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, निफ्लिन की गोली होता क्या है? फिनाइल की गोली, जिसको आप कपड़ा में रखते हैं ना सूंघने, धमकने के लिए जिसको रखा जाता है कि कपड़ा खराब ना हो, कीड़ा नहीं लगे, इसमें कीटाणु ना लगे, क्लियर। तो उसी से बचाने के लिए आप निफ्लिन यानी फिनाइल की गोली का इस्तेमाल करते हैं, जो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। इसकी गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती है, आमतौर पर कोलतार में लगभग 10% निफ्लिन होता है। इसके अलावा ध्यान दिया जाए, कोलतार तथा कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। सीएनजी की बात करें तो प्राकृतिक गैस को जब उच्च दाम पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में भंडारित कर लिया जाता है, जिसका विशाल भंडार अगर भारत में देखा जाए तो त्रिपुरा राज्य में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में तथा कृष्ण गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, ये अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, यानी WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, जिसका रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट्स होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है।
जिस कारण से यह रंगहीन होता है और यह उजला होता है। यह लाल रुधिर कोशिकाओं से बड़ी होती है लेकिन संख्या में उससे कम होती है। इसकी संख्या रक्त में अगर देखा जाए तो 500 से लेकर 9500 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है। डब्ल्यूबीसी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक कणिकामय श्वेत रक्तानु रुधिराणु और दूसरा कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। कणिकामय श्वेत रुधिराणु जो होता है यह तीन भाग में बटा होता है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स, जबकि कणिका रहित श्वेत रुधिराणु जो होता है वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के रूप में बटा होता है। मोनोसाइट्स जो होता है वो भक्षिकाणु होता है, यानी बाहर से आए हुए जीवाणु और कीटाणु का भक्षण कर जाता है। यही कारण है कि इसे हमारे शरीर का अंग रक्षक कहा जाता है, बॉडी गार्ड कहा जाता है, जबकि लिम्फोसाइट्स जो होता है वो प्रतिरक्षी की भांति कार्य करता है और शरीर को सुरक्षा प्रोवाइड करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो लायंस की खाड़ी जो है वो फ्रांस में स्थित है। लायंस की खाड़ी फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। यह भूमध्य सागर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति सीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी और वह कौन था? तो राजकीय कर्मचारी। यह एक राजकीय कर्मचारी होता था जो राजकीय विभाग जो था कृषि विभाग उसका, यह राजकीय भूमि से संबंधित एक विभाग कृषि विभाग था, उसी का अध्यक्ष जो होता था वो सीताध्यक्ष कहलाता था। और इसकी चर्चा मौर्यकालीन राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक अर्थशास्त्र जिसके रचयिता चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य है, इसके इस पुस्तक के दूसरे अधिकरण में इस राजकीय अधिकारी की चर्चा किया गया है। अमात्य की बात करें तो अमात्य प्रधानमंत्री होता था, क्लियर। अर्थशास्त्र की बात करें तो 18 तीर्थ के साथ साथ ये 27 अध्यक्षों की चर्चा अर्थशास्त्र में ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो घोंघा। ऑप्शन नंबर ए जो घोंघा दिया हुआ है, घोंघा में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है। यह अपने लिंग का निर्धारण, अपने लिंग का परिवर्तन किसी भी समय कर सकता है। इस घटना को हेर्माफ्रोडिटिज्म के नाम से जाना जाता है। हेर्माफ्रोडिटिज्म इसे कहा जाता है जब कोई जीव अपने लिंग का परिवर्तन किसी भी समय कर लेता है। इस घटना को हेर्माफ्रोडिटिज्म के नाम से जाना जाता है। कभी भी नर से मादा तथा मादा से नर में परिवर्तन की घटना जो होती है उसे डाइकोगैमी कहा जाता है। एक घोंघा मादा के रूप में पैदा तो लेता है लेकिन अंततः नर के रूप में बदल जाता है। जब कोई घोंघा अगर शारीरिक संबंध संपर्क कर रहा है तो इसका मतलब है कि बड़ा घोंघा जो है वो मादा होगा, छोटा घोंघा जो है वो नर बदल जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी को पारित करने में इनमें से कौन सहायक थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा हिंदू विधवाओं की पुनर्विवाह की कानूनी बाधाओं को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार है, यदि दूसरे विवाह के समय किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो चुकी हो तो वह विधवा विवाह जो है वो वैध माना जाएगा। मतलब अगर कोई भी महिला अगर विधवा हो गई है, उसका पति का देहांत हो गया, तो ऐसे स्थिति में वह अपने मर्जी से दूसरा विवाह कर सकती थी, इसको वैध बना दिया गया 1856 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय की बात किया जाए तो इनके प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा धारा 17 लागू किया गया था। 1828 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 7वीं सदी में पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। हालांकि पुष्यभूति वंश का सबसे पहला राजधानी जो था वो थानेश्वर था। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा किया गया था। इसकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ती थी। राज्यवर्धन के मृत्यु हो जाने के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है तथा अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेने के लिए शशांक पर आक्रमण किया और उसे पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी बना लिया था। अतः इस प्रकार से हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कन्नौज स्थानांतरित हो गई, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित हो गई। हालांकि हर्षवर्धन का राज्याभिषेक थानेश्वर में ही हुआ था 606 ईस्वी में, लेकिन शशांक को पराजित करने के बाद कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, शशांक को पराजित कर दिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण किया था। चीनी यात्री वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में ही 629 ईस्वी में भारत आया था। हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में मुख्य अतिथि होंगे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय
सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है 21 जून को। तो भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जो है वो 21 जून 2023 को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इसका नेतृत्व भी राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। जबकि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 के वैश्विक उत्सव का नेतृत्व जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का आदर्श बात जो है वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2014 में एक संकल्प पारित करके मान्यता दिया गया था भारत के ही अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कुदम पक्षी अभयारण्य जो है वो दमन और द्वीप में स्थित पक्षी अभयारण्य है। कुदम पक्षी अभयारण्य ये मछलियों के लिए समांदन स्थल है और ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट तथा ग्रेट व्हाइट ग्रेट जैसी एविफूना प्रजातियों के लिए आहार का मुख्य स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिकाएं प्रक्रिया में शामिल होती है? तो गाढ़ कोशिकाएं सबसे पहले यह पाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होती है। अब ये गाढ़ कोशिका क्या होता है जरा इसको समझिएगा। तो गाढ़ कोशिका यानी गाढ़ सेल, ये कोशिकाएं पौधे के पत्ती तने तथा अन्य भागों के बाह्य त्वचा में स्थित रहता है और इसका उपयोग गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है ये। ठीक है, गाढ़ कोशिका की स्थिति दाब या उसमें उपलब्ध जल की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो अस्टोमाटा यानी रंध्र जो होता है वो खुलता है और अगर जल की मात्रा कम हो जाती है तो अस्टोमाटा जो होता है वो बंद होता है जिसके कारण से पाष्पीकरण की दर जो है वो कंट्रोल में होता है। क्लियर। जल ज्यादा होगा तो रंध्र जो होगा, रंध्र का छिद्र जो होगा वो खुल जाएगा जिसके कारण से पाष्पीकरण तेज हो जाएगा और जब जल कम जाएगा पौधा में तो ऐसे स्थिति में अस्टोमाटा रंध्र जो है वो बंद हो जाता है, अस्टोमाटा बंद हो जाता है और पाष्पीकरण की दर नहीं होती है। तो बाष्पीकरण की दर को कंट्रोल करने के लिए गाढ़ कोशिकाएं पाई जाती है पादप की कोशिकाएं में, पत्तियों में, तने में और अन्य भाग में। क्लियर। ये कोशिकाएं प्रत्येक रंध्र यानी स्टोमाटा को घेरने वाली कोशिकाएं होती है तथा गाढ़ कोशिकाएं की बाहरी भित्ति जो होती है वो पतली और भीतरी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन CBD के द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट बैंक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पेमेंट बैंक जो होता है जरा समझिएगा, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है, वे डेबिट कार्ड जारी करते हैं, ATM कार्ड जारी करते हैं, वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऋण प्रदान यह नहीं कर सकते, जमाओं को स्वीकार कर देते हैं। क्लियर। वे मांग आधारित जमा को स्वीकार करते हैं, तो तीनों बात सही है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करता है पेमेंट बैंक, ये गलत है। पेमेंट बैंक यानी हिंदी में भुगतान बैंक, इसका कार्य जरा देख लीजिएगा तो ये सेविंग्स अकाउंट खोलता है और करंट अकाउंट खोला जा सकता है यहाँ पे, ATM और डेबिट कार्ड जारी भी करता है, मांग जमा राशि को स्वीकार करता है तथा अन्य बैंक के व्यापार संवाददाता के रूप में भी यह कार्य करता है पेमेंट बैंक। क्लियर। वर्तमान समय में देख लिया जाए तो देश में 7 पेमेंट बैंक कार्यरत है, इसकी स्थापना RBI के द्वारा 24 नवंबर 2014 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एल फर्स्ट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आदित्य एल फर्स्ट मिशन, आदित्य नाम से ही स्पष्ट है, संस्कृत भाषा का शब्द है भारत में आदित्य, तो आदित्य देव जो है वो सूर्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आदित्य एल फर्स्ट मिशन सूर्य की सतह की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक अपने तरह का एक मिशन है जो 3 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लॉन्च डेट 3 जुलाई 2023 को आदित्य एल फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया जाएगा। क्लियर। इसकी मदद से यह सूर्य के वातावरण और सौर चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने में सक्षम हो पाएगा ये, और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच एल फर्स्ट बिंदु जो है उसके चारों कक्षा में यह सम्मिलित किया जाएगा। आदित्य एल फर्स्ट मिशन 7 अलग अलग पेलोड ले जाएगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और सौर हवा में सूर्य पर विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में लछुआर जैन मंदिर स्थित है? लछुआर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ध्यान देंगे, जमुई जिले में, बिहार के लछुआर जैन मंदिर जमुई जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 1874 में मुर्शिदाबाद के राजा धनपत सिंह बहादुर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि जो होता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो घरेलू आय में से विशेष शेष विश्व को भुगतान की गई आय
को घटा दिया जाता है और शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन को जोड़ दिया जाता है। साइमन कुजनेट्स की बात करें तो इन्हें राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। इन्हें उनके लिए 1971 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और रिवीजन अपने आप करते रहिएगा, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइएगा। इसकी सेवा को देते हैं दीपक प्रतिराम से, इसकी चर्चा करेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। बहुत बहुत धन्यवाद।